अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोहतरमा ख़ातून का ये सवाल है कि अगर कोई खावन घर से बाहर अजनबी औरतों के साथ घूमता फिरता है, होटलिंग करता है और घर में खाने पीने के अलावा दीगर ज़रूरियात का बिल्कुल ध्यान नहीं करता, हफ्ते में एक रात घर गुजारता है, क्या इस तरह की नाइंसाफियों और जुल्म के बावजूद भी बीवी पर खावंद की इताअत फ़र्ज़ है? सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपनी इस बहन से कि ये बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है, जदीद सोशल मीडिया और जदीद दौर और यहाँ की इबाहियत, फहाशी और बेहयाई ने बहुत सारे लोगों को और हत्ता के शादीशुदा लोगों को भी शैतान के जाल में बुरी तरह से जकड़ के रख दिया है और इस तरह के वाक़यात सुन के बड़ा दुख होता है। अल्लाह ताला इसमें आपकी मदद फरमाए, उसे हिदायत नसीब फरमाए। दूसरी गुजारिश ये है कि यकीनन ये अपनी बीवी के हक में जुल्म कर रहा है और उसकी हक तलफी कर रहा है और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी चला रहा है और अपनी आख़रत को बर्बाद और तबाह कर रहा है, जो उसके लिए किसी सूरत भी जायज़ नहीं। लेकिन तीसरी बात ये भी जहन में रखिए कि उसके इस जुल्म और बुराई की वजह से उसकी बीवी के लिए ये जुल्म करना और ऐसी बुराई करना जायज़ नहीं कि अगर खावंद ऐसे करता है तो बीवी कहे कि मैं भी गलत राह पे चलती हूँ, इसकी भी इजाज़त नहीं। और इसकी भी इजाज़त दीन इस्लाम नहीं देता कि खावंद की गलतियों को आड़ बनाकर, जो अल्लाह ने एक औरत के ऊपर बहसीत बीवी फ़र्ज़ आयद किया है, वो उससे किनारा कशी इख्तियार करे। क्योंकि जब तक वो अक़द ज़ौजियत में है और खावंद के निकाह में है, खावंद उसका खावंद है, उसकी इताअत औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, फ़स्सालिहातु क़ानितात, नेक औरतें फरमाबरदार होती हैं। और सही बुखारी में नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने औरत को रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा रखने की भी अपने खावंद की इजाज़त के बग़ैर इजाज़त नहीं दी, बल्कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने ऐसी औरत को जो साबिरा शाकिरा है और हर हाल में अपने खावंद की इताअत करती, बहुत बड़ी बशारत दी है। इज़ा सल्लतिल मरअतु खमसा, जब औरत पांच नमाज़ें पढ़े, वसामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखे, वहसनत फ़र्जहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, वअतअत बअलहा, और अपने खावन की इताअत करे, चार काम जब औरत कर ले तो ये ज़िंदगी मुख्तसर है, गुजरनी है। जब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही होगी, क़ीला लहा उदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नत शिक्ति, तो उसे कहा जाएगा ये जन्नत के आठों दरवाज़े तेरे लिए खुले हैं, जिस दरवाज़े से चाहती हो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसलिए हम अपनी इस मज़लूम और मोहतरमा बहन को ये नसीहत करना चाहते हैं कि बेशक खावंद बहुत गलत हरकात का इर्तिकाब कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से आप उसकी इताअत से किनारा कशी इख्तियार न करें और ये बोझ इताअत का इसको समझते हुए इसको अपने गर्दन से ना उतारें, और अल्लाह की तरफ से एक फ़र्ज़ समझते हुए जिस हद तक आपके लिए मुमकिन है, आप नेकी और खैर के कामों में अपने खावंद की इताअत जारी रखें। औलाद की तरबियत, घर का ख्याल, खावंद की नेकी के कामों में इताअत, ये मुसलसल जारी रखें और इस पे सब्र का दामन थामें, अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखें। हाँ, अगर वो कोई बुराई का हुक्म देता है, बुरे काम की तरफ लेके जाता है, तो उसमें आप उसकी इताअत कतन ना करें। और इस हवाले से आखिरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा इंसान का सब्र का जो दामन है वो इस कदर लबरेज़ हो जाता है कि उसके लिए चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए कि अव्वलन तो सब्र का दामन थामना चाहिए और अपनी औलाद की खातर, अपनी आखरत की खातर और अल्लाह की रज़ा की खातर खावंद को नसीहत करते हुए इस पर बर्दाश्त का इजहार करना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर है
और आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रही है, तो आखिरी ऑप्शन के तौर पर अल्लाह ताला ने खुला की सूरत में आपके लिए नजात का और ख़लासी का रास्ता रखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो फिर जब तक वो आपका खावंद है आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करते हुए उसकी इताअत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है कि अगर आप सब्र का रास्ता इख्तियार करते हुए, हिम्मत और अजीमत का रास्ता इख्तियार करते हुए इताअत पर कायम रहेंगी तो एक ऐसा दिन ज़रूर अल्लाह ताला लाएगा कि उसे अक़ल आएगी, उसे समझ आएगी कि मैं गलत कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आपका रिश्ता बहुत ही उल्फत में, महब्बत में बदल जाएगा। और आखिरी नसीहत ये करना चाहेंगे हम कि अल्लाह ताला से दुआ करना क़तन न भूलें और उसकी रहमत से मायूस न हों। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारे अजवाज और औलाद को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना। अल्लाह ताला इस बहन के लिए आसानी फरमाए और इनके शौहर को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।